Subscribe Sky Games and Fun to connect with our channel and press the bell icon to view the latest updates. दोस्तों अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं गेमिंग पीसी और एक गेमिंग कंसोल के बीच में, तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कब कहां किस कंडीशन में कौन किससे ज्यादा अच्छा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लड़ाई है कि गेमिंग पीसी अच्छा होता है या फिर एक कंसोल जैसे कि प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स, ये ऑनलाइन बहुत बहुत ज्यादा है। हर इंसान अपना ओपिनियन देता है, कुछ कहते हैं कि गेमिंग पीसी अच्छे हैं, कुछ कहते हैं गेमिंग कंसोल्स अच्छे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस सिनेरियो में कौन सा किससे ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्स की, तो देखिए पहला फैक्ट ये है कि एक गेमिंग पीसी, एक प्रॉपर हाई एंड गेमिंग पीसी किसी भी कंसोल से, चाहे वो PS4 हो, चाहे वो एक्सबॉक्स वन हो, चाहे कोई भी हो, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। जो पीसी की ग्राफिक क्वालिटी होगी वो एज कंपेयर टू एक नॉर्मल कंसोल काफी अच्छी होगी। लेकिन दूसरा फैक्ट ये भी है कि जिस प्राइस में आपको एक गेमिंग कंसोल मिलता है, अगर आप सिमिलर प्राइस में एक कंप्यूटर बिल्ड करते हैं, तो आपको वो परफॉर्मेंस कभी भी नहीं मिल पाएगी जो आपको एक गेमिंग कंसोल दे देता है। तो ऐसे में दो चीजें सामने आती हैं कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए या फिर आपका बजट कितना है। एक और फैक्ट ये भी है कि एक गेमिंग कंसोल में आप सिर्फ गेम्स खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत आप इंटरनेट वगैरह ब्राउज कर सकते हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं, लेकिन एक गेमिंग पीसी में आप गेम्स के अलावा वो सभी काम कर सकते हैं जो आप एक कंप्यूटर में कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज बन जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं एडवांटेज की, तो देखिए जो पोर्टेबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने बस अपने टीवी से कनेक्ट किया अपने गेमिंग कंसोल को, आप पीछे बैठे हैं काउच पर अपने कंसोल से, आप आराम से गेम खेल रहे हैं कंट्रोलर से, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको पीसी में उतने अच्छे से नहीं मिल पाती है। आपको या तो बाद में कंट्रोल यूज करने पड़ेंगे और या फिर आप कीबोर्ड और माउस से बैठे बैठे गेम खेलेंगे छोटे स्क्रीन पे, तो वो मजा आपको एक पीसी में नहीं आ पाता है। जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो गेमिंग एनवायरनमेंट जो आपको प्रॉपर एक मिलता है किसी गेमिंग कंसोल में, वो पीसी से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सबॉक्स काइनेक्ट जैसे फीचर्स जिसके अंदर आप सामने खड़े हुए गेम्स खेल सकते हैं, तो वो भी आप एक कंप्यूटर में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है कि आपको एट द एंड क्या चाहिए। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक गेमिंग पीसी ले लो, काफी हाई एंड आप पीसी बिल्ड कर लो, और उस पीसी को अगर हो सके तो अपने टीवी से कनेक्ट कर लो, अगर आप वो कर सकते हैं तो। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ सेंस नहीं बनता है। तो सेंस यही बनता है कि आप एक PS4 या आप एक्सबॉक्स वन या जो भी आप लेना चाहते हैं, Xbox 360 या PS3 वगैरह, आप वो ले लें, आप उसको अपने टीवी से कनेक्ट करें, आप उसमें अपने गेम्स खेलें, और आप एक नॉर्मल कंप्यूटर भी रख लें जो आपके बाकी सारे काम कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग का मूड है, अगर आपको एकदम अल्ट्रा हाई एंड ग्राफिक्स चाहिए, तो ऐसे में तो एक गेमिंग कंसोल के कंपैरिजन में आपको एक पीसी ही लेना पड़ेगा। लेकिन माइंड यू, उसकी प्राइस बहुत बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर आप ऑन अ बजट एक अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली गेमिंग कंसोल एक एडवांटेज है। उसके अलावा जो गेमिंग टाइटल्स आपको मिलते हैं या फिर जो नई रिलीज आपको मिलती हैं, तो वो डेफिनेटली गेमिंग कंसोल्स में पहले आती हैं एज कम्पेयर टू पीसी। तो उसमें आप लेटेस्ट टाइटल्स वगैरह जो है अपने गेम्स में खेल पाएंगे काफी अच्छे से, तो वो एक एडवांटेज बन जाता है। और उसके अलावा एक अच्छा एडवांटेज ये है कि अगर आप प्लेस्टेशन लेते हैं, अगर आप PS4 का रिमोट प्ले एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो आप बड़े ही आराम से अपने कंप्यूटर पर बैठ के भी उन गेम्स को खेल पाएंगे या फिर आप अपने लैपटॉप पर भी उन गेम्स को खेल पाएंगे जो गेम्स आपके PS4 में चलते हैं। तो ये काफी एक अच्छा एडवांटेज है कि अगर आपके घर में एक PS4 है, उसके बाद में अपने किसी भी रूम में बैठे हो या फिर आप इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हो, आप अपने उस प्लेस्टेशन की वजह से आप अपने कहीं पर बैठ के उन गेम्स को यूज कर पाएंगे। तो ट्रेड ऑफ है, कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लेना अच्छा रहेगा। ग्राफिक क्वालिटी डेफिनेटली पीसी, कम कीमत में अच्छी ग्राफिक क्वालिटी डेफिनेटली एक गेमिंग कंसोल, फ्लेक्सिबिलिटी एक अच्छा गेमिंग कंसोल, प्रोडक्टिविटी एक कंप्यूटर, ईज ऑफ एक्सेस रिलैक्स्ड गेमिंग डेफिनेटली एक कंसोल। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं हर एक के फेवर में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चूज कर पाएंगे कि आपके लिए एक गेमिंग पीसी अच्छा है या फिर एक कंसोल। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।